एक इनका वजीर आया हैदराबाद में आके बोला कि असदुद्दीन ओवैसी औरंगजेब से उसका ताल्लुक है। अच्छा, इनके जो वजीर साहब हैं उन्होंने दिल्ली में कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो, गाली देकर कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। आज उन्होंने आके हमको औरंगजेब, अरे औरंगजेब से मेरे को क्या लेना देना, बाबर से मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या करना है इन बादशाहों से, तारीख का हिस्सा है। औरंगजेब की बात आई तो फतावे आलमगीरी हमारे लिए सर आंखों पे है, मगर नहीं, औरंगजेब तुम क्या आर्यन रेस के नहीं है तुम लोग? मुंह खोलूंगा ना तो चट्टा बट्टा ढीला कर दूंगा तुम्हारा। अरे ये मुल्क अगर किसी का है, ये मुल्क अगर कि सबसे पहले इस मुल्क पे कौन आए? आदिवासी लोग, फिर द्रविडियन, ये अपर कास्ट जो आला जात के लोग हैं ये पूरे आर्यन हैं। ये कहां से आए? ईरान से आए। अब जो मौजूदा रशिया के स्टीव से वहां से आए। अरे ये मुल्क तो मैं, अगर तुम ऐसा बोले तो द्रविडियन और आदिवासियों का देश है, आप कहां से आ गए? जवाब देना, समझे ना, हो या नक्को में, मोदी के पांच साल हो या नक्को, हो या नक्को, बेरोजगारी के पांच साल हो या नक्को, गुलामी घुसपैठी के क्या है? हाँ, कौन सा? हाँ, हिंदुत्व के पांच साल, बुलडोजर के पांच साल, गौरक्षक की दहशत के पांच साल, हिजाब अजान हलाल की गाली के पांच साल। जोर से बोलो नक्को बोल के, बोलिए ये जुल्म के पांच साल, बोलिए जुल्म के पांच साल। आप पप्पा को मालूम होगा, अब कभी इस पे बात नहीं करेंगे। बहुत बातें बोल सकता हूं, जो बहुत बोल रहे हैं याद रखो, सालार बोलते थे अगर किसी को अपना शिजरा निकालना है तो मजलिस के खिलाफ गाली दे दो, निकल जाता पूरा। मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा हूं।